हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं विजन आईएएस इकोनॉमी मेंस 365 का अगला लेक्चर। दोस्तों, हम लोगों ने इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसीज के अलावा बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, और बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम में हम लोगों ने फिनटेक सेक्टर के टॉपिक तक को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर के जरिए अदर फाइनेंशियल एंटिटीज और कोशिश करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के एक दो टॉपिक भी कवर करें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, वो है हमारा टॉपिक अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़। तो अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFCs। तो दोस्तों, हाल ही में स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया है, किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। देखिए, इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज में रहा, क्योंकि हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। स्केल बेस्ड मतलब होता है लेयर के हिसाब से जो है फ्रेमवर्क ये अप्लाई होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा स्केल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि लेयर बेस्ड। यहाँ देख सकते हैं स्केल बेस्ड अप्रोच इंट्रोड्यूसिंग स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क। स्केल बेस्ड देख लीजिए, बेस लेयर में क्या आएगा, ये सारा आएगा, इक्विवेलेंट टू NBFC ND बट विद ए थ्रेशोल्ड एट 1000 करोड़, ठीक है। फिर आता है मिडल लेयर, और फिर अपर लेयर, और फिर टॉप लेयर, ऐसे करके बांट रखा है, ठीक है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो दोस्तों, जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है NBFCs के लिए, ये कंप्राइज करता है 4 लेयर्स, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर साइज, और साइज के आधार पर ये लेयर्स में बांट रखा है, साइज के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, और परसीव्ड रिस्कीनेस के आधार पर, ठीक है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन है, द एग्जिस्टिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स स्टैंड्स चेंज टू द ओवर ड्यू पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज फॉर द ऑल द कैटेगरीज ऑफ NBFCs। तो अभी आपको पता है जो बैंकिंग के लिए भी जो है 90 डेज का ही रखा गया NPA का, ठीक है। और इसके NBFCs के लिए क्या कर दिया गया है, ये जो पीरियड है मोर देन 90 डेज का हो गया फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ NBFCs, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड, अब देख लीजिए बोर्ड का भी एक्सपीरियंस में थोड़ा बदलाव लाया गया है। एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर शुड हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक और NBFC। ऑब्वियसली जो बोर्ड में एक एटलीस्ट जो डायरेक्टर होगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक का और NBFC का। और सीलिंग ऑन IPO फंडिंग, अब IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की फंडिंग में भी क्या रखा गया, सीलिंग लगाया गया। देख लीजिए, इन्होंने सीलिंग कितना लगाया है, सीलिंग ऑफ ₹1 करोड़ पर बोरोवर हैज बीन फिक्स्ड फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्रिप्शन टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। NBFCs कैन फिक्स मोर कंजर्वेटिव लिमिट्स, ठीक है। तो अगर वो चाहें तो और भी ऐसी कंजर्वेटिव लिमिट सेटअप कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस फ्रेमवर्क का, जो ये फ्रेमवर्क में इतने सारे पॉइंट हमने पढ़े लिए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला है दोस्तों, जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो रहा था उसमें अब रुकावट लेके आएगा। देख लीजिए, मेजर NBFC गेव लोन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये तो आपको पता ही है कि जो NBFCs हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन देते हैं, वाइल रेजिंग कैपिटल फॉर लैंडिंग द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर, ऑब्वियसली। और ये रेज करते हैं कैपिटल फॉर लैंडिंग थ्रू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से, जैसे कि कमर्शियल पेपर। इसके अलावा रोल ओवर ऑफ फंड्स, व्हेन पेमेंट्स वर ड्यू NBFCs इशूड अ न्यू सेट ऑफ CPs एंड बोरोड अगेन, दिस वे दे रोल्ड ओवर फंड्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। फॉल्टी क्रेडिट रेटिंग होती थी इनकी, देख लीजिए, मैनी NBFCs वर गिवन AAA यानी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रेटिंग बाय वेरियस एजेंसी, और वेरियस एजेंसी ये AAA यानी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की रेटिंग क्यों देते थे, कहीं ना कहीं NBFC कुछ ना कुछ धांधलेबाजी करती होंगी, ठीक है, विदाउट अ डीपर एनालिसिस ऑफ देयर बिजनेस मॉडल्स एंड ऑपरेशन। ऑब्वियसली NBFCs के जो बिजनेस मॉडल है उसका डीपर तरीके से एनालिसिस करते नहीं थे, और AAA की रेटिंग दे देते थे, जिससे लगता था कि NBFCs तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, IL&FS क्रेडिट रेटिंग वेंट फ्रॉम AAA टू जंक ओवरनाइट विच क्रिएटेड पैनिक इन द मार्केट, ठीक है। सोचिए ना, इन्होंने AAA की पहले रेटिंग दे रखी थी, अब क्या कर दिया, बहुत ज्यादा नीचे रेटिंग में चले गए, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए मार्केट में पैनिक हो गया था। इंपैक्ट ऑफ COVID-19, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इम्पोज्ड ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एडवर्सली इंपैक्टेड रेवेन्यूज ऑफ NBFCs एंड लेड टू राइज इन देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑब्वियसली अब देखिए, ये फ्रेमवर्क लाया गया, इस वजह से इसमें भी मदद करेगा, जो यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं उनको थोड़ा रिजोल्व करने में भी मदद करेगा। सिस्टमैटिक फेलियर भी हुआ था ड्यू टू अबव रीजंस, NBFCs सच एज IL&FS क्लासिफाइड एज टू बिग टू फेल, है ना। सोचिए ना, IL&FS को क्लासिफाई करा जाता था कि ये इतनी बड़ी NBFC है, इतनी बड़ी है कि ये फेल हो ही नहीं सकती,
बट डिफॉल्ट हो गई, ठीक है, डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स रीपेमेंट्स एंड क्रिएटेड लिक्विडिटी स्ट्रेस, दिस क्रिएटेड अ डोमिनो इफेक्ट विच ब्रॉट रिसेशन इन द इकोनॉमी। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यही चीज लिखो कि बेटर रेगुलेटरी रिजिम बनाने की जरूरत है बाय क्रिएटिंग अ बॉडी विद पावर्स टू मॉनिटर रिस्क कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है, रिकमेंडेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके अलावा टाइमली प्रोजेक्ट क्लियरेंस भी होनी चाहिए स्पेशली टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू मिनिमाइज कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा हमको रिफॉर्म करना चाहिए, रिफॉर्म ऑफ मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय रेटिंग एजेंसीज टू मेक बेटर प्रिडिक्शन एज मोस्ट ऑफ द फेल्ड एनबीएफसीज वर ए प्लस ट्रिपल ए रेटेड इंप्लाइंग दैट पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वॉज नियर जीरो। ठीक है, तो हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट करी जा रही है रेटिंग एजेंसी के द्वारा। मैंने बता दिया ना, रेटिंग तो इतनी अच्छी दे देती हैं लेकिन कंपनी तो खराब होती है ना। फ्रीक्वेंट स्ट्रेस टेस्ट ऑफ एनबीएफसीज टू रिगेन कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स एंड लेंडर। इसके अलावा साउंड एसेट और लायबिलिटी मैनेजमेंट की जरूरत करने की जरूरत है, लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने की जरूरत है ऑन बैलेंस शीट पर। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप आप लिख सकते हो। अगला टॉपिक है वो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टॉपिक न्यूज में क्यों आ गया समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिलीज करी है गाइडलाइंस किस चीज को लेकर, क्योंकि आरबीआई जो एस्टेब्लिश करने जा रहा है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को, इन्हीं को लेकर इन्होंने क्या रिलीज करी है, गाइडलाइंस रिलीज करी है बेस्ड ऑन द कमिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स रिकमेंडेशन। तो एक कमेटी गठित करी गई थी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर और इस कमेटी का नाम आप देख सकते हैं कमेटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसी की रिकमेंडेशन पर इन्होंने ये गाइडलाइंस रिलीज करी है। ठीक है, तो इस वजह से टॉपिक न्यूज में आ गया था। आप समझ लेते हैं की फीचर्स ऑफ आरबीआई गाइडेंस ऑन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो दोस्तों डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर अभी आरबीआई ने क्या की गाइडलाइंस इशू करी है, उनके फीचर्स को देख लेते हैं। पहला फीचर इन्होंने बताया है कि भाई इन्होंने डेफिनेशन दी है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होता क्या है, इनकी डेफिनेशन भी दी हुई है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आर स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस। तो याद देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होते हैं या हब होते हैं हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली भाई डिजिटल बैंकिंग यूनिट है तो ऑब्वियसली इनके पास थोड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही होना चाहिए। किस चीज के लिए, फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जो बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं आप जब उनको डिजिटल माध्यम के जरिए डिलीवर करते हो तो उन्हीं को कहा जाता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, हु इज परमिटेड टू स्टार्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ये भी इन्होंने फ्रेमवर्क में बताया कि कौन बंदा है जो स्टार्ट कर सकता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को। देख लीजिए, इन्होंने बोला कि सारे के सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक। तो इन्होंने साफ साफ बोलिया कि रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते, ना पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही लीड एरिया बैंक, ये तीन स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को। बाकी जो कमर्शियल बैंक हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो स्टार्ट कर सकते हैं विद पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनके पास पहले से ही बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हीं को परमिट करा जाएगा कि वो लोग जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ओपन कर सकें टायर वन से लेकर टायर छह सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को लेकर फ्रेमवर्क में क्या बात करी गई है, इन्होंने देख लीजिए, इससे पहले एक और देख लीजिए, एक पॉइंट भूल गया था, दीज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज बैंकिंग आउटलेट्स। तो याद रखिए, इनको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स बनाएंगी, इनको बैंकिंग आउटलेट्स के नाम से ट्रीट करा जाएगा। अब देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को लेकर इन्होंने फ्रेमवर्क में क्या लिखा है। ईच डिजिटल बैंकिंग यूनिट शैल बी हाउस्ड डिस्टिंक्टली विद द सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट प्रोविजन, दे विल बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैंकिंग ऑफिसर्स विद फॉर्मेट्स एंड डिजाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिजिटल बैंकिंग यूजर्स। ठीक है, ऑब्वियसली जो इनका डिजाइन है वो ऑब्वियसली डिजिटल बैंकिंग यूजर के हिसाब से बनाया जाएगा। बैंक्स आर फ्री टू अडॉप्ट एन इनसोर्स्ड एंड आउटसोर्स्ड मॉडल फॉर ऑपरेशन। ऑब्वियसली बैंक के पास जिम्मेदारी है, वो इनसोर्स्ड या आउटसोर्स्ड मॉडल अपनाना चाहते हैं इनके ऑपरेशन में। ठीक है, अगला फ्रेमवर्क में वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड देख लीजिए। Each digital banking unit should offer a certain minimum digital banking product and services. Obviously, अब आप जब digital banking unit बना रहे हो तो उन्हें certain product और services तो offer करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी देख लीजिए, liability products and services offer करनी पड़ेगी, account opening, digikit for customers and merchant etc. ये सारी की सारी services देनी पड़ेगी। asset product और services में क्या देना पड़ेगा, making application for and onboarding of customers for identifier retail MSME or schematic loans etc. ये भी देना पड़ेगा। digital services कौन कौन सी देनी पड़ेंगी, cash withdrawal and cash deposit only through ATM and cash deposit machine respectively। इसके अलावा इनको internet banking kiosk बनाने पड़ेंगे, lodging of grievance digitally etc. ठीक है,
अगला है जो फीचर फ्रेमवर्क में, वो है अदर फीचर्स। अदर फीचर में क्या कहा जाता है, बैंक विल हैव द ऑप्शंस टू इंगेज डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट टू एक्सपॉन्ड द वर्चुअल फुटप्रिंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू ऑफर हैंड्स ऑन कस्टमर एजुकेशन एंड सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली कस्टमर को एजुकेट देना पड़ेगा कि वो लोग जो है कैसे सेफ डिजिटल बैंकिंग और प्रोडक्ट और सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट वेयर डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज लोकेटेड विल बी द कैचमेंट एरिया फॉर द पर्पस। देयर शुड बी एडुकेट डिजिटल मैकेनिज्म टू ऑफर रियल टाइम असिस्टेंस एंड रेडरेस कस्टमर ग्रीवेंसेस डायरेक्टली और थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, अब फायदा क्या है डिजिटल बैंक का? दोस्तों बहुत सारा फायदा है, अपने दिमाग में सोच लिया होगा। पहला तो यही है कि ये कंबाइन करता है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है, डिजिटल बैंक जो है फॉलो करते हैं वन ऑफ द थ्री की मॉडल्स विद बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट हैं देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ थ्री की मॉडल्स लिखे हुए ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। तो थ्री की मॉडल कौन कौन से हैं, नियो बैंक्स। नियो बैंक्स में क्या आता है, नियो बैंक्स आर ओनली ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिनको फिनटेक कहा जाता है, कंपनीज दैट आर पार्टनरिंग विद द इनकम्बेंट लाइसेंस्ड बैंक्स टू ऑफर स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज सच एज डिपॉजिट कार्ड्स एंड पेमेंट्स एक्सेट्रा। तो समझ में आ गया ना। और आगे इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ओपन टेक्नोलॉजीज, ये भी एक क्या है दोस्तों, ये भी एक ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, जो कि पार्टनर करती है मेन बैंक के साथ। इसके अलावा रोजर पेक्स डेव एक्सेट्रा। इसके अलावा ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक, ये भी क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। दीज एंटिटीज आर इसेंशली न्यू बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स एंड फंक्शन ऑटोनोमसली एंड कम्पीट विद द स्टैंड अलोन न्यू बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल है 800 यानी कोटक महिंद्रा बैंक एंड यूनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है फुल स्टैक यानी लाइसेंस्ड डिजिटल बैंक, ये देख लीजिए, देयर आर इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक्स फुली रजिस्टर्ड बाय बैंकिंग रेगुलेटर्स एंड ऑपरेट विद देयर ओन ब्रांड एंड बैलेंस शीट। ऑब्वियसली ये जो डिजिटल बैंक होती है खुद के ब्रांड और बैलेंस शीट के जरिए ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल है स्टारलिंग, वेब बैंक, काकाओ, मोन्जो एंड 26 एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने थ्री की मॉडल देख लिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंक्स। तो डिजिटल बैंक्स में हमने देख लीजिए ना तीन मॉडल है, नियो बैंक है, ऑटोनोमस, ठीक है। आप देख लीजिए थ्री मॉडल्स विद बेनिफिट्स, इन थ्री मॉडल के क्या क्या बेनिफिट हैं उनको समझते हैं। पहला है लाइट बैंकिंग अप्रोच बाय रिड्यूसिंग फिजिकल फुटप्रिंट विद अ फ्यूअर ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस। ऑब्वियसली इनका ऑब्वियसली पहला तो यही है कि लोगों को ना फिजिकली बैंक ना आना पड़े, ठीक है, इसीलिए इनकी जो है ब्रांचेस वगैरह कम होती है, ज्यादातर काम जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। दूसरा सिग्निफिकेंस एफिशिएंसी एनहेंस होती है, ऑब्वियसली जब आप डिजिटल चीजें करते हो तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी। थ्रू टेलर्ड अप्रोच टू अ पर्टिकुलर बैंकिंग एरिया विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेक्स बैंकिंग सिंपलर एंड कन्वीनियंट टू एंड कंज्यूमर्स। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस भी देते हैं विद लेसर स्टाफ मेंटेनेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल टूल्स वाइल ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग फेसेस इशू ऑफ हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ऑब्वियसली आपको पता ना जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इशू होता है, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, लो रिस्क एपेटाइट, लिमिटेड अंडर राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन तो इंप्रूव होगा। इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ MSMEs अराउंड 63.88 million स्टिल रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ फॉर्मल फाइनेंस, तो उनको भी मदद करेंगे। ओपन रूरल मार्केट्स फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स बाय वाइडिंग द रीच ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, तो ऑब्वियसली रूरल वाले लोगों को भी मिलेंगी बैंकिंग सर्विसेज क्योंकि डिजिटल बैंकिंग जो है इसका वाइडर रीच होगा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं डिजिटल बैंकिंग की। पहला तो आपको पता है भाई हमारे यहाँ पब्लिक जो अवेयरनेस है डिजिटल बैंकिंग को लेकर वो काफी कम है। दूसरा है लो इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, अभी भी मात्र लगभग देखा जाए तो लगभग 20% जो पॉपुलेशन है भारत की वो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करती है, तो ऑब्वियसली इंटरनेट को भी काफी कम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत बड़ा अगला चैलेंज है। चैलेंजिंग इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिकॉज ऑफ नो फिजिकल प्रेजेंस, ऑब्वियसली लोग जो है इजिली ट्रस्ट नहीं करते डिजिटल बैंकिंग पे क्योंकि भाई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इस वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ता नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एब्सेंस ऑफ इनेबलिंग रेगुलेशन, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। स्मॉल रेंज ऑफ सर्विसेज, तो स्मॉल रेंज ऑफ सर्विसेज व्हेन कंपेयर्ड विद द होल गैम्बिट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिशनल बैंक, ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल बैंक होती हैं वो ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और एज कम्पेयर टू द मतलब डिजिटल बैंक। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, हम कंक्लूजन में कह सकते हैं इन डेवलप्ड नेशन डिजिटल बैंक्स हैव अशर्ड इन कंसिडरेबल एफिशिएंसीज। ऑब्वियसली जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह में, वहां हमने देखा है कि जो डिजिटल बैंक हैं इन्होंने काफी एफिशिएंसीज दिखाई हैं और इन्होंने कॉस्ट भी रिड्यूस करा है और सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म करा है मेनी एरियाज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड बैंकिंग। ऑब्वियसली
इन लाइक मैनर, और ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि जैसा फायदा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है डिजिटल बैंक्स का, ऐसा ही फायदा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में भी देखने को मिल सकता है अगर हम इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया नीड्स टू पुश द एनवेलप एंड वेल थॉट द आउट स्ट्रेटजी मे हैव द डिवाइस ओवरकम द कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रुकावटें हैं ये सारे चैलेंज अगर अच्छे से पॉलिसी बनाकर इंडिया इंप्लीमेंट करता है डिजिटल बैंक्स को, तो उसका फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगला टॉपिक है वह डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टॉपिक न्यूज में क्यों आ गया। विद गवर्नमेंट बैक्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम क्वार्टर वन ऑफ फिस्कल ईयर 2023 1 trillion इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट इज सेट फॉर द ईयर। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट ने बैक कर रखा एक नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, गवर्नमेंट ने इसको बैक कर रखा यानी सपोर्ट दे रखा किसका, किसको, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को, ताकि ये जो है स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेशन कब, क्वार्टर वन 2023 से, ठीक है। और इनका टारगेट है कि 1 trillion इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैंडिंग करेंगे, ठीक है, उसी साल में। अब समझ लेते हैं ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या है। वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करवाते होंगे, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल वही है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों, इनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है या डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन, तो याद रखिए ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो याद रखिए मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोजेक्ट ये प्रोवाइड करवाते हैं। कैटेगरीज देख लीजिए, ठीक है, कैटेगरीज क्या है, डीएफआईज के यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल कवरेज ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियसली कितना इन्होंने ज्योग्राफिकल कवरेज कर रखा है ऑपरेशन का, उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले को ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा है रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो देख लीजिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, यानी पहले वाले का। तो इनका क्या है, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इसको सोर्स को। फंडिंग क्या है सोर्स के ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो भाई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग करते हैं, लेकिन इनके फंडिंग सोर्स क्या है, तो देख लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है, borrowing from government and RBI, loans from the multilateral institutions such as World Bank, insurance of bonds from DFIs, ये सब का इन सारे तरीके से पैसा आता है इनके पास, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट में लगाते हैं। अब देख लेते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। पहला तो सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि फाइनेंसिंग क्या है। दे प्रोवाइड फंड्स टू प्रोजेक्ट फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, अभी मैंने बताया मीडियम से लेकर लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड तक प्रोवाइड करते हैं, विद ग्रेटर रिस्क इन कंपैरिजन टू द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा फायदा इनका, सपोर्ट करते हैं फंक्शन को, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल हेल्प मैनी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस। तो देख लीजिए ना, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल एडवाइस और टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, इसमें भी मदद करते हैं। और फायदा देख लीजिए, डाइवर्सिटी ऑफ ऑपरेशन, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन करते हैं। देख लीजिए, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एंटरप्राइजेस कैन गेट फंड्स थ्रू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज, अंडरराइटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, रिफाइनिंग ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स फ्रॉम द अदर फॉरन डोमेस्टिक सोर्सेज। तो सोचिए ना, डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन होते हैं इनके पास कि कहाँ कहाँ से ये अपना पैसा जुटा सकते हैं। अगला है बिल्डिंग गुडविल, लोन फ्रॉम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प कंपनीज इन बिल्डिंग गुडविल। ऑब्वियसली कंपनीज की जो है गुडविल भी बनती है कि देखो हमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला। सोच लिया ना, सोचिए दोस्तों, एक कंपनी ए है, इसको पैसा मिल जाता है अगर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो मार्केट में ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देख लीजिए वही लिखा हुआ है, लोन फ्रॉम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प कंपनीज इन बिल्डिंग गुडविल, हेल्पिंग देम टू बोरो फ्रॉम कैपिटल मार्केट एंड अदर सोर्सेस एज वेल, ठीक है। क्राइसिस फंडिंग में भी मदद करते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प कंपनीज इवन इन द क्राइसिस और टाइम्स ऑफ रिसेशन व्हेन अदर सोर्स आर नॉट अवेलेबल और हैव द हाई कॉस्ट अटैच। सोचिए ना, अभी COVID-19 के दौरान पे इतना सारा इशू फेस हुआ था, तो ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये मदद कर सकते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लेसर रिपेमेंट बर्डन, ठीक है, थ्रू मॉरेटोरियम एंड ईजी रिपेमेंट ऑप्शन। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ही ईजी रिपेमेंट ऑप्शन होते हैं लोन के लिए,
और लोन रिपेमेंट के लिए बर्डन, ठीक है। तो बिजनेस इज लेजर देन फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ फंड्स, तो इसलिए बिजनेस के ज्यादा जो है सरदर्दी नहीं आती, बर्डन नहीं आता। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर। तो यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं देख लीजिए। पहला है गवर्नेंस इशू, ये तो सब जगह कॉमन होता है सारे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। देखिए बीइंग प्राइमरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है प्राइमरली ओन करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर वल्नरेबल टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली जब आप सारी की सारी पावर जो है पॉलिटिशियन के हाथ में दोगे तो वो क्या होंगे, इंटरफेयर तो करेंगे ही करेंगे इनके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस इशू में। कंपिटेंसीज भी बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सपोज्ड टू बी अहेड एट ऑफ द टाइम विद स्ट्रेटजी टू मीट द एम्बिशियस सोसाइटल एंड इकोनॉमिक चेंजेस गोल्स एज वेल एज द रिस्क रेजिंग सच कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स विद इन द मैनेजमेंट इन द चैलेंजिंग टास्क। ऑब्वियसली लोगों के स्किल और कैपेबिलिटीज इंप्रूव करना मैनेजमेंट में विद इन द मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा क्या है चैलेंजिंग टास्क है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी सस्टेनेबिलिटी भी एक अगला इशू है। देखिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इशू, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफन इट टेक्स प्रिसिडेंस ओवर प्रॉफिटेबिलिटी लीडिंग टू लॉसेस, ठीक है। इसके अलावा इंटेंस कंपटीशन, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स एंड ऑप्शंस टू रेज मनी फ्रॉम आउटसाइड एज हैज इंक्रीज्ड चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिटेन देयर ओ लो कॉस्ट एडवांटेज withstand competition etc. obviously बाहर इतने सारे आज के आपको पता है इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं जिनके जरिए आप लोन इकट्ठा कर सकते हो, तो आप क्यों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही जाओगे। तो obviously competition की भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। लिमिटेशन यहाँ लिखे हुए हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के देख लीजिए। पहला है टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजिड लोन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है बहुत रिजिड है। इसके अलावा इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपनीज लाइक एंड डिविडेंड पेमेंट, इसके अलावा may appoint their nominees on the board of directors। तो ये सारे के सारे चैलेंज बने हुए हैं। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो आप, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो अलाउ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अ प्रीक्विजिट फॉर एजिल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मीट इंटेंस कंपटीशन। ऑब्वियसली हम लोगों को अलाउ करना पड़ेगा एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन सके, किसका, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। थ्रू ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम्पल कंपनी रेदर देन स्टैचुटरी DFI। तो और क्या करना पड़ेगा बिफोर, देखिए जो चैलेंज लिखे हैं ना आप उन्हीं को सॉल्व कर दीजिए जो अभी हमने चैलेंज पढ़े। इसके अलावा हमको इंप्रूव करने का पड़ेगा क्वालिटी ऑफ बोर्ड डेलिब्रेशन फॉर करेक्ट पोजिशनिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी टू एस्टेब्लिश क्लियर मैंडेट एंड मीट फ्यूचर गोल्स। और देख लीजिए ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी ताकि ओवरकम कर सकें इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सेलेक्शन पॉलिसीज एंड कम्पीट विद द अदर टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा that can help in retention of the high performing staff। इसके अलावा provide करना पड़ेगा adequate safeguard to for decision making to address risk aversion or fear of extra compliance, ठीक है। इसके अलावा capacity building करनी पड़ेगी to maintain operational efficiency under changing environment and import new sets of skills। इसके अलावा embed financial sustainability principle in product structure and pricing to help डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन टारगेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टर लुकिंग फॉर लो यील्ड लो रिस्क एंड लॉन्ग टर्म एसेट। अडॉप्ट करना पड़ेगा ब्रॉड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल को बाय अनलिस्टेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेबी गाइडलाइंस टू इनकॉर्पोरेट बेस्ट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस विद ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, समझाने वाला तो मैं समझा देता, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सेक्टर का। एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर यहाँ पे बहुत डाटा दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए, डाटा इंपॉर्टेंट है, पॉज करके दो तीन बार याद कर सकते हैं। पहला है यूएस डॉलर $526.6 बिलियन वॉज इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट, ठीक है। कब का बात हो रही है, 2019 से 20 के, तो याद रखिए फिर से बोलता हूँ 2019-20 में भारत का 526.6 बिलियन जो है इंडिया का ओवरऑल क्या था, एक्सपोर्ट था। ये पहला डाटा हो गया। इसके अलावा दूसरा डाटा जो है 1.7% was India's share in world's export। सोचिए वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट होता है ना उसमें से भारत का कितना शेयर है, मात्र 1.7%। देखिए चाइना का कितना ज्यादा है, चाइना का देखिए 13% है, यूएसए का 9% है। तो इन दोनों से तो हम बहुत ही ज्यादा कम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को। ये डाटा हो गया। अगला डाटा है India's exports are about 18% of GDP। सोचिए भारत की अगर 100% GDP है उसका 18% जो है हम लोग भारत से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं।
इंडिया सर्विसेज ट्रेड हैज बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली आपको पता है गुड्स से ज्यादा हम सर्विसेज का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रीजंस क्या है फॉर इंडियाज अंडर परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे दो बार हो गया, तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अभी भी हम लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे कारण है। पहला कारण है लो लेवल ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन एज कम्पेयर टू द मेजर एक्सपोर्टिंग नेशन इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा कारण यह है कि लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। ऑब्वियसली हम लोग जो है अपना जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, मात्र चुनिंदा जो प्रोडक्ट हैं वही भेजते रहते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। विद टॉप 10 प्रिंसिपल एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी ग्रुप्स अकाउंटिंग फॉर अस मच एज 78% ऑफ द टोटल मर्चेंट एक्सपोर्ट। इसके अलावा लो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, भारत के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है बहुत ही कम होती है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इनएबिलिटी टू एक्सप्लॉइट कंपैरेटिव एडवांटेज इन लोअर स्किल एंड लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। 3 फंडामेंटल चैलेंजेस विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, कौन कौन से चैलेंज है देखिए। पहला है इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है पुअर ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। अगला है पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच हिंडर्स कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपोर्ट। तो ये सारे के सारे क्या है, रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। अब यहाँ पे देख लीजिए इंडियाज नीड फॉर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो दोस्तों भारत की कौन कौन सी जरूरतें हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेकर। पहला है हमको सेल्फ रिलायंस बनने पड़ेगा। देख लीजिए एक्सपोर्ट कैन हेल्प इंडिया टू अचीव टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बाय फोकस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी दोस्तों इंडियाज नीड फॉर एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ। तो देख लीजिए इंडिया की जो नीड है एक्सपोर्ट और ग्रोथ के लिए वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर एक्सपोर्ट ड्रो मोर फॉरेन रेमिटेंस क्रिएट्स मोर जॉब, लोअर करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और क्रिएट करते हैं डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा मेजर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड आर ऑल्सो मेजर एक्सपोर्टर्स। टू कोरेबोरेट दिस क्लेम इट इज टू बी नोटेड दैट चाइना इज वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, तो ये देख लीजिए एक्सपोर्ट गिव डोमेस्टिक सेलर्स इंक्रीज एक्सेस टू द मार्केट प्रेजेंटिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर अ गुड चंक ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, तो स्टेप्स कौन कौन से भारत सरकार ने लिए हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो भारत ने आपको पता है रोड टैप चला रखा है। रोड टैप क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, ये स्कीम चला रखी है। ये इनेबल करती है जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय एंश्योरिंग डोमेस्टिक टैक्सेस आर नॉट एक्सपोर्टेड। इसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको सी शॉर्ट में कहा जाता है, ये स्कीम चला रही है भारत सरकार। सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट सर्विस। इसके अलावा एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम भी चला रही है, जिसको आज शॉर्ट में कहा जाता है। ये अलाउ करती है ट्रेडर्स को टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एट 0% इम्पोर्ट ड्यूटी। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसको EPCG शॉर्ट में कहा जाता है, ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स भी जारी करा जाता है एज डाटा ड्रिवन एंडेवर टू आइडेंटिफाई फंडामेंटल एरियाज क्रिटिकल फॉर सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन। अदर इनिशिएटिव भी लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव क्या है, टू इंक्रीज MSME एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली इसके जरिए याद रखिए इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव के जरिए हम MSME का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। कैपिटल इन्फ्यूजन इन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉपरेशन। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी प्रोवाइड कराया जा रहा है 14 सेक्टर्स में। इसके अलावा कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट भी कर रहा है सरकार। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप उठाए हैं सरकार ने, आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, वे ऐड फॉर पोस्ट कोविड टाइम्स। तो देख लीजिए वे ऐड में क्या लिख सकते हो, इंक्रीज करना है हमको कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ऑब्वियसली मैंने बता चुका हूँ हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करना है। और कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज हो पाएगी, देख लीजिए हमको प्रमोट करना पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इम्प्रूव करना पड़ेगा इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा बाय ब्रिंगिंग डाउन इंपोर्ट टैरिफ। इसके अलावा फोकस करना पड़ेगा रिसर्च और डेवलपमेंट पे फॉर ग्रेटर इनोवेशन एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। इसके अलावा एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। प्रमोट करना पड़ेगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन हाई पोटेंशियल सेक्टर अंडर
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके अलावा रोबस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लानी पड़ेगी भारत सरकार को, कंप्लीट करना पड़ेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईयू एंड ब्रिटेन सून एज डन विद द यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हमने ऑलरेडी कर रखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ऑब्वियसली हमको यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ भी करना पड़ेगा। लर्निंग फ्रॉम नेबर्स, ऑब्वियसली जैसे बांग्लादेश का आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट काफी जो है एक्सपोर्ट होता है, तो हमको इनसे भी लर्न करना चाहिए, वियतनाम से लर्न करना चाहिए। इनका प्रोडक्ट सोचिए ना, ग्रो हुए हैं अबाउट 240% पास्ट 8 ईयर्स में, सोचिए इतना कैसे कमाल कर लिया, तो इनसे सीखने की जरूरत है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एट ग्लांस, तो देख लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ग्लांस में, इसका डाटा दिया हुआ याद कर लीजिए। 10% ग्रोथ हैज बीन विटनेस इन ग्रोथ ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021 कंपेयर्ड टू द 2020, तो याद रखिए 2020 के मुकाबले 2021 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुई है वो 10% की ग्रोथ हुई है। एक्सपेक्टेड टू रीच टू द ट्यून ऑफ 100 बिलियन, तो ऐसा अनुमानित है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100 बिलियन तक हो जाएगी। और फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई विद यूएस बीइंग द फर्स्ट एंड चाइना सेकंड, तो याद रखिए भारत में जो है सबसे ज्यादा एफडीआई आपसे पूछा जाए तो कहां से आती है, तो याद रखिए यूएसए से आती है, सेकंड नंबर पर चाइना से आती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैज एमर्ज एज टॉप सेक्टर ड्यूरिंग 2020-21 विद अराउंड 44% ऑफ द शेयर ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, सोचिए ना कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से 44% तक एफडीआई आई थी। इसके अलावा FDI into India reached an all-time high of 83.57 billion in 2021-22. Significance क्या है foreign direct investment का भारत में? तो obviously जब foreign direct investment आएगी तो क्या होगा दोस्तों? Long-term capital होगा for economic growth के लिए। देख लीजिए FDI is a stable source for non-debt financial resources. Human resource development में भी मदद करेगा, देख लीजिए। देखिए with FDI management technique also flow. ऑब्वियसली जब आप एफडीआई किसी देश में आती है तो उसके साथ ऑब्वियसली मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो भी भारत में आ जाएंगी, इसके अलावा नॉलेज भी लाएंगे भारत में और स्किल्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। फॉर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एफडीआई इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडवांस प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन, इसके अलावा इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट को भी। देखिए इट हेल्प्स इन अ ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद एन एक्सटर्नल नेटवर्क, दिस नेटवर्क देन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंक्रीज एक्सपोर्ट इन द लॉन्ग टर्म। इश्यूज क्या है एफडीआई इनफ्लो इन भारत में? तो दोस्तों भारत में एफडीआई इतनी क्यों नहीं आ रही है, उसके बहुत सारे इश्यूज भी है। पहला है डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, देखिए दो रिकॉर्ड एफडीआई द ग्रोथ इनकमिंग एफडीआई ग्रोथ रेट फेल शार्पली बाय 2%, तो देखिए जो ग्रोथ रेट है एफडीआई में उसमें 2% की कमी देखी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत में एफडीआई आ नहीं रहा, आ रहा है लेकिन जिस रेट से आ रहा था ना, जिस रफ्तार से आ रहा था, उस रफ्तार में गिरावट हुई है 2% से। ठीक है, 2021-22 में फ्रॉम द 10% इन 2021-22 एंड 20% इन 2019-20। ठीक है, इंक्रीजिंग एफडीआई आउटफ्लोज, तो ऑब्वियसली अब जो है एफडीआई इंडिया में कम आ रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है। देखिए द नेट एफडीआई इनफ्लो, नेट एफडीआई इनफ्लो क्या होता है, व्हाट्स कमिंग, जो एफडीआई जितना आ रहा है माइनस व्हाट इज गोइंग, तो इसी को कहा जाता है नेट एफडीआई, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेट एफडीआई दोस्तों फेल हुआ है बाय 10.6%, 39.3 बिलियन नेट एफडीआई इन फिस्कल ईयर 2022 इन कंपैरिजन टू 44 बिलियन इन 2021, सोचिए 44 बिलियन हुआ था उसमें 2021 में और अब क्या हो गया 2022 में, नेट एफडीआई हो गया 39। कंसंट्रेटेड टू फ्यू सेक्टर, ऑब्वियसली जो एफडीआई है भारत में वो कुछ ही सेक्टर में आता है। देखिए 62% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो वेंट जस्ट इन फाइव सेक्टर, कौन कौन से फाइव सेक्टर में एफडीआई आई, कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, सर्विस में, ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन, सोचिए। तो हम लोगों को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ताकि हमारी जो एफडीआई है भारत में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आए। ठीक है, फ्यू पॉकेट्स ऑफ एफडीआई, सोचिए 78% ऑफ द टोटल इनबाउंड एफडीआई वॉज लिमिटेड टू थ्री स्टेट, कौन कौन से, सोचिए कर्नाटक 38%, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन्हीं में 78% हमारी एफडीआई, तो बाकी एफडीआई आई तो बाकी स्टेट क्या कर रहे हैं, बाकी स्टेट बहुत ढीले डाले पड़े हैं। इसका मतलब यूज ऑफ ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स एंड टैक्स हेवंस लाइक मॉरिशियस एंड कैमन्स आइलैंड्स कंटिन्यू टू फीचर द टॉप फुल एफडीआई सोर्स। इसके अलावा लो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट्स, द गैप बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड एंड एक्चुअल एफडीआई इन द इंडिया रिमेन्स हाई। इसके अलावा लेसर री इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रिफर टू टेक सरप्लस आउट ऑफ इंडिया रेदर देन री इन्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम्स देख लीजिए एफडीआई को लेकर क्या क्या चलाई गई हैं। पहला है लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इन सेक्टर लाइक इंश्योरेंस, पावर एक्सचेंज एक्सेट्रा। ऑब्वियसली भारत में ना
इंश्योरेंस और पावर सेक्टर में, पावर एक्सचेंज में भी ना जो FDI है उसको काफी लिबरलाइज कर दिया और बोल दिया कि आप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस और पावर एक्सचेंज में भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन थ्रू इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम, इसके अलावा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, स्पेसिफिक पार्टनरशिप लाइक इंडिया एंड यूके ओबियसली हम कर रहे हैं, इंडिया एंड यूके अग्रीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज फॉर एन एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में भी बनाया गया विद व्यू ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो टू सपोर्ट इंडियाज फ्लरिशिंग इकोनॉमी विद अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन कंटिन्यूड FDI इनफ्लो इज क्रिटिकल। ऑब्वियसली आपको पता है हमारी पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन वो बढ़ रही है भाई, उनको जॉब करने के लिए, जॉब दिलाने के लिए FDI का लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है उनकी तरक्की के लिए। बट द चेंजिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ऑन टॉप ऑफ द लिंगरिंग पैंडेमिक इफेक्ट इज मेजर चैलेंज टू कंटिन्यूड फ्लो, देयरफॉर इंडिया विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा इंडिया को, कंटिन्यू पॉलिसी रिफॉर्म करने पड़ेंगे, एंश्योर करना पड़ेगा स्टेबल एंड पब्लिक फाइनेंस टू ओवरकम अनसर्टेनिटी द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर, इसके अलावा इंप्रूव करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को ऑफ गवर्नेंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द फॉरेन एंड डोमेस्टिक बिजनेस, इसके अलावा टेक इनिशिएटिव टू डाइवर्सिफाई FDI विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट कल्चर स्मॉल बिजनेसेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वही कॉमन पॉइंट है जो अभी हमने चैलेंजेस में देखे थे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का, इस टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।